केवटयाना चौपाई बड़ी विचित्र है। मांगी नाव ना, मांगी नहीं नाव, केवटयाना। ए भैया पूज्य मनोज ब्रह्मचारी जी एक एक को रोक कर नहीं कहेंगे 5100 दीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए। मांगी नाव ना केवटयाना, हम भक्त हैं, भगवान को देखा संत को देखा दौड़ पड़े देने के लिए। हम भक्त हैं, भक्त का लक्षण है मंदिर को देखने पर दौड़ जाए, हमारा लक्षण होना चाहिए। मांगी नाव ना केवटयाना, दूसरा मांगी नाव न केवटयाना, भगवान बुला रहे हैं और बच्चा नहीं आ रहा। ये सबसे मधुर मेला है, क्यों? क्योंकि पिता अपने बच्चे बुलाए यहाँ और बच्चा कहे ना ही आऊंगा पापा, आजा नहीं आऊंगा। राम ने कहा अच्छा काहे नहीं आएगा भैया, कहा तुम्हार मरम मैं जाए, जैसे कहा तुम्हार वैसे तो लक्ष्मण ने देखा तुम्हार, हम राजा और ये दास, हमें तुम्हार बोल रहा आप नहीं बोल रहा। क्रोध का पारा तो फाट से चढ़ा लक्ष्मण का। राम ने कहा लक्ष्मण यार ये कौन सा मर्म जानता है, क्या कोहबर की बात जानता है? क्योंकि कोहबर की बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखी। उन्होंने कहा जब राम कोहबर में गए तो मैं तो द्वार पर ही खड़ा रह गया, जाने लगा तो नारियों ने रुकवा दिया था, आप अंदर नहीं जा सकते बाबा। तो कोहबर की बात तो जानते थे, कहां की बात जानता? जिस समय माता सीता राम कोहबर में खेल खेल रहे थे चौसे का, क्या वो जानते? बोल पड़ा नहीं नहीं मैं आपका मर्म जानता हूं, उसके पहले वाला कौन सा? आप जब जा रहे थे तो आपने गौतम की नारी को चरण रख करके तार दिया था, और प्रभु वो तो पत्थर था, पाहन ते न काठ कठिनाई, ये तो हमारी काठ है लकड़ी की है, और कहीं आपने इस पर चरण रख दिया तो नारी बनेगी, ये तो पक्का है, तो दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा दिक्कत ये है कि आपके पिताजी के तीन थी, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि एक से अधिक यदि पत्नियां हो जाती तो क्या दशा होती। प्रभु दिक्कत ये नहीं कि पत्नी होगी, और बड़ी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जब वो आपके चरणों से कोई जुड़ करके स्त्री होती है तो वो ब्राह्मण स्त्री हो जाते हैं, और मैं जाति का केवल, और एक सामने ब्राह्मण की स्त्री तो वो कहेगी मुझे अलग से एक झोपड़ी बनवाइए, एक गैस सिलेंडर लाइए, मेरे लिए कुकर लाइए, मेरे लिए भगोना लाइए, तो मैं कहां से, एक पत्नी को तो पालना कठिन हो गया, दूसरे के लिए व्यवस्था कहां से करूंगा। कहां से मैं दूसरे के लिए व्यवस्था करूंगा, हे नाथ हे करुणा कर, आप जानते हैं। और ये नाव यदि ये नाव कहीं नारी बन गई तो हे
राघव मुझे तो साइकिल का पंचर बनाना भी नहीं आता, नहीं जानो कछु और कबाल, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं करूंगा क्या। राम ने कहा भैया अच्छा तुम्हारी नाव स्त्री न बने उसके लिए और क्या हो सकता है। प्रभु जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं, मुझे मुझे चरण धोने दे दीजिए। राम देख रहे थे एक तक उसको, केवट ने कहा आप संकोच कर रहे होंगे कि आपके पास पैसा नहीं है। गोस्वामी जी छंद में कह रहे हैं, वो बोलने लगा हे नाथ कि पद कमल धोनी चढ़ाई उतराई सोच रहे होंगे कि आपको पैसा देना है तो पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। राम फिर देख रहे थे आपको लगता है कि अभी भी तो मोहि राम रावण, जैसे राम कहा लक्ष्मण ने कहा एक केवट के बच्चे अभी तक तुम तुम्हार अब राम तक कह गए, राम का नाम लेते। राम ने कहा शांत रहो लक्ष्मण, फिर बोल पड़ा मोहि राम रावण आन दशरथ बाप तक चढ़ते निकाल कर तब से पार केवट की जात बाप तक मेरे चढ़ता बाप का नाम लेगा मेरे। केवट ने कहा हे लक्ष्मण वो दिन उड़ गए जब परमात्मा बैकुंठ में क्षीर सागर में निवास करते थे और मैं परमात्मा का चरण छूने आया था कछुआ बन करके, आपने फुफकार दिया था शेषा अवतार में, प्राण चले गए, अब मैं भक्त बनकर पैदा हो गया हूँ और भक्त को डराया नहीं जा सकता। एक बात बता दूं राम, यदि यहाँ से जाना है यदि इधर से जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा, नहीं तो आइए मैं दिखा देता हूँ, यही घाटी से थोड़ी की दूरियां हैं कटी लोजल थाहा दिखई हूं जो पर से पग थोड़ी तर तरनी घरनी घर को समझई हूं जो तुलसी अवलंबन और कछु लड़िका के ही भांति जियई हूं जो परु मारे ही मोही बिना पग धोए हो नाथ ना नाव चढ़िया मुझो। हे लक्ष्मण बहुत मार दो लेकिन बच्चों को पालना है और मुझे मेरे लिए परिवार पहले है राम बाद में। ये प्रसंग सुदामा चरित्र से जुड़ सकता है, दो प्रसंगों को जोड़ता हूँ, विलंब बहुत है लेकिन फिर भी कभी आपने ध्यान किया है कि सुदामा जैसा व्यक्तित्व चरित्र क्यों है, दीन क्यों है।